टुडेज़ टॉपिक इज़ मैट्रिसेस। उससे पहले एक बात आपको बता देना चाहूँगा, चैप्टर नंबर 3 कल भी डिस्कस हुआ था प्लस चैप्टर नंबर 4, दोनों का कम्बाइंड वेटेज कितना है? 10 मार्क्स। दैट मीन्स कि हम 10 मार्क्स के लिए इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 शुरू होता है आपका मैट्रिसेस से। दिस इज़ द मैट्रिसेस, ऐसा कुछ वहाँ पे स्पेलिंग है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसका सिंगुलर फॉर्म है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस। तो अगर एक सिंगल मैट्रिक्स की बात होगी तो मैट्रिक्स वर्ड यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम मैट्रिसेस यूज़ करेंगे। तो लेट अस डिफाइन द मैट्रिसेस। तो दिस इज एन अरेंजमेंट, ये एक तरीके का अरेंजमेंट होता है जो हम मैथ्स में हम करते हैं। अरेंजमेंट इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंजमेंट होगा। तो हमारा जो फॉर्मेट होगा अरेंजमेंट का, किस फॉर्म में होगा? रेक्टेंगुलर फॉर्म में। और उससे पहले हम ये भी देख लेते हैं कि मैट्रिक्स को किन सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, उसके बाद हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो पहला सिंबल है जो मैट्रिक्स का एंड द कॉमन वन, दिस इज द सिंबल टू यूज रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, यू कैन से द स्क्वायर ब्रैकेट है सर ये तो। और दूसरा ये स्मॉल, ये सिंबल। एंड थर्ड वन इज, दिस इज द सिंबल टू यूज रिप्रेजेंट द मैट्रिक्स। इनसाइड दीज सिंबल्स वी पुट द अरेंजमेंट इन द फॉर्मेट ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के फॉर्म में हम सारा अरेंजमेंट इसके अंदर में पुट करेंगे। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल्स सपोज हमें ए बी अल्फ़ाबेट्स का अरेंजमेंट करना है, तो हमारे पास 3 अल्फ़ाबेट हैं ए बी सी। तो दिस इज़ वन काइंड ऑफ अरेंजमेंट, मैंने ऐसे अरेंजमेंट कर दिया। बट यहाँ पे आप देख रहे होगे दिस इज इन द फॉर्मेट ऑफ ट्राइंगुलर शेप अरेंजमेंट, तो दिस इज़ नॉट अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। तो ये मैट्रिक्स का एग्जांपल्स नहीं हो पा रहा है। दूसरा, ये अगर हम रेक्टेंगुलर, एक और डिफिनीशन आप एनसीईआरटी में ही आपके पास है पीडीएफ, यू कैन चेक, वहाँ पे डिफिनीशंस में है कि रेक्टेंगुलर एरे के फॉर्म में होना चाहिए। ये केमिस्ट्री का एक वर्ड है, यहाँ पे हम स्ट्रक्चर सॉलिड केमिस्ट्री में पढ़ते हैं रेक्टेंगुलर एरे के फॉर्म में। तो अब हमारा ये अरेंजमेंट किसके फॉर्म में है? रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, इनफैक्ट स्क्वायर फॉर्म में है, तो स्क्वायर इज ऑल्सो रेक्टेंगल। सो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज रो और कॉलम्स, यहाँ पे आप रेक्टेंगल फॉर्म बन सकते हो अगर इनको कॉर्नर पॉइंट्स ले लो। तो ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। इनफैक्ट बहुत सीधा सा एग्जांपल्स है आपके पास, जब आप मॉर्निंग असेंबली में लाइंस खड़े होते हो, तो ऐसे सपोज करिए मॉर्निंग असेंबली, आप यहाँ पे स्टूडेंट वाइज खड़े हो। दीज आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मैट्रिसेस, आप खड़े हो, दिस इज़ द, और यहाँ पे सपोज मॉर्निंग असेंबली कंडक्ट होनी है, तो ये कॉलम वाइज अरेंजमेंट है। और यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो ये क्या है? रो वाइज अरेंजमेंट है। तो रो वाइज अरेंजमेंट और कॉलम वाइज अरेंजमेंट, तो बेसिकली जब भी हम मैट्रिक्स का कोई भी एग्जांपल सेट करते हैं, तो सपोज हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे हम नंबर्स पुट करेंगे, नंबर्स का अरेंजमेंट करेंगे, सपोज 2, 1, 3, 5, 7, 8। सो दिस इज़ द रो वाइज अरेंजमेंट, रो, एंड दिस इज़ कॉलम वाइज अरेंजमेंट। ये वर्टिकल जो लाइंस मैं ड्रॉ कर रहा हूँ कॉलम्स के लिए, तो यहाँ पे कितने कॉलम्स हो गए? 3 कॉलम्स एंड 2 रो। तो दैट मींस द अरेंजमेंट इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम्स, इसीलिए वहाँ पे वर्ड यूज़ है रेक्टेंगुलर एरे। तो आपको मैट्रिक्स की डिफिनीशन में, अब अरेंजमेंट में फिर से एक छोटा सा क्वेश्चन उठता है कि अरेंजमेंट हम कैसे ऑब्जेक्ट्स होंगे मैट्रिक्स के अरेंजमेंट में? तो मे बी अल्फ़ाबेट, इसके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, इवन नंबर्स हो सकते हैं, इवन फंक्शंस हो सकते हैं, इवन कोई सिंबल्स भी अरेंजमेंट का पार्ट हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे फाइल लिख दिया। तो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ मैट्रिसेस। तो यू कैन अरेंज द वर्ड, कंडीशन इज अरेंजमेंट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंजमेंट होना चाहिए। दूसरा, ये आपको इन सारे को हम क्या बोलेंगे? रो। इन सारे को कॉलम्स, वर्टिकल जो भी है वो सारे क्या हैं? कॉलम्स हैं। तो रो और कॉलम के फॉर्म में अरेंजमेंट होगा। ओके, सेकंड वन इज, सेकंड टॉपिक है हमारा ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। आप एनसीईआरटी के एग्जांपल्स 57 पेज पे एक एग्जांपल है, उसको भी स्टार्ट करने के पहले पढ़ सकते हैं।
order of matrix. Matrix ka order kya hoga? To matrix ka order kya hoga? Let us give an example. Suppose this is the matrix 2, 5. Is matrix mein kitni row hai? Single row hai. Columns kitne hai? This is one column, this is one column. तो सबसे पहले जितनी नंबर ऑफ रोज होंगी उसको आप लिखोगे यहाँ पे कॉर्नर पे. तो यहाँ पे कितनी रो है? 1. कॉलम कितने हैं? 2. तो दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस 2. देन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 1 क्रॉस 2. दैट मींस ऑर्डर कैन बी रिटन लाइक दिस. फर्स्ट वी हैव टू राइट डाउन द रो, नंबर ऑफ रोज, टोटल रोज इन अ गिवन अरेंजमेंट एंड मल्टीप्लाइड बाई कॉलम्स, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स. सो देन वी कैन टेक other examples like this. So this is 1 2 3 5 a b. So yahan pe total number of row kya hai? 1 2 3 row hai. Column kitne hai? 1 2. So order of matrix kitna ho gaya? 3 cross 2. I hope order aapko samajh mein aa gaya hoga. Next one is टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन अ मैट्रिक्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स. जो भी मैट्रिक्स के अंदर अरेंजमेंट होते हैं उनको एलिमेंट्स हम बोलते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं. तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज द कॉमन वर्ड वी कैन यूज. टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स. तो नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ कॉलम्स, तो वी कैन फाइंड टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ मैट्रिक्स. लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. सपोज वी हैव 2 5 3 8 9 a. यहाँ पे कितने अरेंजमेंट है आप काउंट कर सकते हो, ये तो छोटा सा एग्जाम्पल है. यहाँ पे 6 है. तो इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे? ये हो गया 1 रो, सेकेंड रो तो 2 हो गया. कॉलम कितने हो गए? 1 2 3. 2 × 3 दिस इज टोटल 6. तो टोटल 6 मेंबर्स हैं इसके अरेंजमेंट में. ओके, अगेन छोटा सा एक एमसीक्यू है आपके लिए यहाँ पे. इफ टोटल ऑब्जेक्ट इज यू कैन से एलिमेंट्स इज टोटल ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू 6, देन हाउ मेनी वेज यू कैन अरेंज 6 ऑब्जेक्ट इन द फॉर्मेट ऑफ मैट्रिक्स. तो सोल्यूशन इज आप 6 रो सिंगल कॉलम कर सकते हो, एक सिंगल रो और 6 कॉलम कर सकते हो, आप 2 रोज 3 कॉलम्स, 3 रोज 2 कॉलम्स कर सकते हो. और कोई आंसर है आपके पास तो बताइएगा. दीज आर द मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यू कैन पुट द टोटल 6 ऑब्जेक्ट इन द फॉर्मेट ऑफ मैट्रिक्स. तो यहाँ से एमसीक्यू आप सॉल्व कर सकते हो. टोटल कितने फॉर्मेट हो गए? 1 2 3 4. तो टोटल 4 वेज टू रिप्रेजेंट 6 ऑब्जेक्ट इन द फॉर्मेट ऑफ मैट्रिक्स. तो बेटर होगा छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को आप धीरे धीरे यूटिलाइज़ करिए. इस बार के भी पेपर्स को अगर आप देखोगे, दिल्ली रीजन के पेपर को, तो 95% क्वेश्चंस आर डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी. बट बेसिक कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर नहीं था उसके पेपर्स अच्छे नहीं हुए हैं. क्लियर?